हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लर्न कर रहे थे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 13 चेक करेंगे। और लेक्चर 13 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसके लिए हमने कर क्या रखा, एक सेपरेटर ले रखा और इस सेपरेटर के एक साइड में हम लोग रेयर मीडियम लेंगे और दूसरे साइड में हम लोग डेंसर मीडियम लेंगे। तो सपोज कर लेते हैं टॉप पर जो मीडियम है हमने वो रेयर मीडियम ले लिया, टॉप में हमने रेयर मीडियम ले लिया और बॉटम में जो हमारे अपने पास मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, बॉटम में डेंसर मीडियम है। तो एक साइड हमने रेयर मीडियम ले लिया, एक साइड डेंसर मीडियम ले लिया। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर ले म्यू टू ले लेते हैं और ये म्यू टू यहाँ पर 1 के इक्वल होगा अगर रेयर मीडियम हमारा एयर हो तो। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन ले लेते हैं और म्यू वन को म्यू सपोज कर लेते हैं, म्यू वन को म्यू सपोज कर लेते हैं। हमें करना है क्या कि कोई भी रे ऑफ लाइट हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से सपोज कर ले हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है। इस तरह से इनिशियली तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा इस सेपरेटर पर और ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ पास हो जाएगा। यहाँ से कोई डायरेक्ट ये रे ऑफ लाइट क्या होगा ऊपर की तरफ पास हो जाएगा, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से डायरेक्ट गया और इसमें कोई डायरेक्ट ऊपर की तरफ पास हो गया। जिस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट पास हो रहा है उस पॉइंट का नेम हम लोग यहाँ से ये पॉइंट, इस पॉइंट का नेम हम लोग ओ रख ले, इस पॉइंट का नेम हमने ओ रख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ओ से इस पॉइंट का नेम ए सपोज कर लेते हैं, इसका नेम बी रख लेते हैं और इस पॉइंट का नेम हम लोग सी रख लेते हैं, का सी रख लेते हैं। अब ओ से एक, ओ से रे ऑफ लाइट लेंगे और उसको ले चलेंगे हम लोग ओ से ए पर। तो एक रे ऑफ लाइट हम लोग ओ से स्टार्ट करते हैं और ए पर ले चलते हैं, ओ से स्टार्ट कर लिया हमने, ए पर हम लोग लेके गए। अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, इस नॉर्मल को सपोज कर ले एन वन मान लेते, ये नॉर्मल एन वन है, ये नॉर्मल एन टू है और ये नॉर्मल एन थ्री है। तो ओ से ए पर जो रे ऑफ लाइट गया ये तो ओ, ए तो इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको आई वन सपोज कर लेते, ये आई वन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ले लिया। अब ये क्या होगा, ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो दूसरे मीडियम में रिफ्रेक्ट होगा और यहाँ जो रे ऑफ लाइट है वो रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयरर में अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है तो अब ये फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से यहाँ पर, कुछ इस तरह से ये रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी, अब ये फ्रॉम नॉर्मल होते हुए रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ निकल जाए। अब ये जो रेयरर मीडियम में जो एंगल बनाए उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग आर वन सपोज कर लें, तो ये हमने ले लिया। अगेन हम लोग एक रे ऑफ लाइट लेंगे जो ओ से बी पर जाए, ओ से स्टार्ट हो और बी पर जाए, ओ से हमने ले लिया और ये बी पर इंसिडेंट हो रहा है। हमने एक रे ऑफ लाइट लिया जो ओ से जा रहा है और बी पर जा रहा है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा नॉर्मल एन टू के साथ, अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एन टू के साथ इसको आई टू सपोज कर लेते हैं और ये आई टू जो है अपने पास ग्रेटर है आई वन से, ये आई टू जो है आई वन से फर्स्ट वाले से ग्रेटर है। और इसी तरह से एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा इंक्रीज होता रहेगा, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा अपना वो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा इसी सरफेस से पास होने लग जाए, इस सरफेस से ओवरलैप होने लग जाए, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इस सरफेस से ओवरलैप होने लग जाएगा। तो इस केस में अपने पास जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा यानी रिफ्रैक्टेड सरफेस है, इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है और ये I2 जो है अपने पास ये क्रिटिकल एंगल IC के इक्वल हो जाएगा, इसको IC सपोज कर लिया हमने और ये IC क्या है, क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है। यानी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई टू, ये आई टू क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ओ से एक रे लेके चलेंगे और ये रे जाएगा अपना, ओ से एक रे लेके चलेंगे हम लोग आप
इस रे को हम लोग सी पर ले चलेंगे ओ से, तो फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फर्दर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इंक्रीज कर दिया, यानी अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल एन थ्री के साथ, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल एन थ्री के साथ आई थ्री, और ये आई थ्री जो है ये ग्रेटर है आई टू से, और आई टू तो इक्वल है किसके, आई सी के, यानी ये आई थ्री ग्रेटर है आई सी से, ये आई सी जो है ये आई टू के इक्वल है, आई टू को ही हमने आई सी लिखा है। तो फर्दर अगर इंक्रीज करें यानी आई टू से भी बड़ा लें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रे है अपना रिफ्रैक्टेड रे, अब ये रिफ्रैक्टेड रे इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, इसी मीडियम में बैक हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड अपना इसी मीडियम में बैक हो गया। अब ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आर, या इसको आर थ्री ले सकते हैं। अभी जो थर्ड केस है हमारा, इसी थर्ड केस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। यानी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे क्या हो, सेम मीडियम में बेंट हो जाए, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे जो इंसिडेंट रे अपना डेंसर मीडियम से गया था इसी पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट हुआ, और ये फिर बैक होकर रिफ्लेक्टेड रे जो है, यानी ये जो रिफ्रैक्टेड नहीं, ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये इसी डेंसर मीडियम में बैक हो गया, तो ये जो केस हो गया ये रिफ्लेक्शन का केस हो गया, और इसी फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जो क्रिटिकल एंगल वाला केस है यानी बी पॉइंट पर, अगर बी पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, वहां से क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल एंगल है क्या, तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, which angle of refraction becomes 90 degree, angle of refraction becomes 90 degree, such angle of incidence in denser medium, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम है, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो ये हमने क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट पर अपने पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आईसी क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। यहाँ पर मीडियम टू एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और मीडियम 1 अपने पास न्यू है जो कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, और यहां से हम लोग लिखेंगे साइन आई सी, दैट इज आई सी इज क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन आई सी बाई साइन 90। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, तो म्यू टू अपने पास ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन के इक्वल, यहां से साइन आई सी और साइन 91 हो जाएगा, म्यू टू अपने पास 1 के इक्वल है और म्यू वन म्यू के इक्वल। यहां से हम लोग लिखेंगे कि साइन आई सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, देयरफॉर क्रिटिकल एंगल आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। यहां से हमने क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कर लिया जो कि साइन इनवर्स 1 बाई म्यू के इक्वल आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें हम लोग लेते हैं द फेनोमेनन
इन विच अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. Ray of light is traveling from denser medium to rarer medium. Denser medium to rarer medium. And angle of incidence in denser medium. Angle of incidence in denser medium. Is greater than critical angle. Angle of incidence is denser medium is greater than critical angle. Critical angle. Then the refracted ray. Then the refracted ray totally. Totally reflected back in denser medium. Totally reflected back in denser medium is called total internal reflection. Is called total internal reflection. तो ये फेनोमेनन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट ना होकर के टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा डेंसर मीडियम में, इसी फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट हम लोग लेंगे कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Total internal reflection. Condition for total internal reflection. इस condition में हम लोग mention करेंगे दो necessary condition है total internal reflection के लिए, जिसमें first है कि light ray must be goes from denser medium to rarer medium. Denser medium, light ray must be goes from denser medium to rarer medium. Rarer medium. यानी light ray जो है वो denser से rarer में जाए तो ही total internal reflection का case बनेगा, otherwise नहीं बनेगा. और second जो necessary condition है वो है angle of incidence in denser medium. Angle of incidence in denser medium should be greater than critical angle. Should be greater than. Should be greater than critical angle. Angle of incidence in denser medium should be greater than critical angle. तो ये दो necessary condition है हमारे पास total internal reflection के. अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन पर बात करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन लेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड लेते हैं. First application, sparkling of diamond. Diamond किस तरह से sparkle करते हैं वो total internal reflection के phenomenon पर based है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर study करेंगे. इसमें the brilliancy of diamond is due to the brilliancy of diamond.
इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज, इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल. About 24.4 degrees. About 24.4 degrees. The faces of diamond are so cut. The faces of diamond are so cut that light entering the crystal, that light entering the crystal suffers total internal reflections, suffers total internal reflections repeatedly. बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज अब इंटर कर जाएंगे डायमंड में तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, बार बार वो रेज ऑफ लाइट क्या होंगे वहां पर रिफ्लेक्ट होते रहेंगे. एंड हेंस गेट्स कलेक्टेड, एंड हेंस गेट्स कलेक्टेड इनसाइड इनसाइड बट इट comes out through, but it comes out through only a few faces, only a few faces. Hence the diamond sparkles, hence the diamond sparkles when seen in direction of emerging light, when seen in direction of emerging light. यानी light जिस direction में आ रहा है उस direction में अगर हम लोग देखेंगे तो diamond हमें sparkling दिखाई दे. नेक्स्ट जो हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं, सेकंड एप्लीकेशन ले लेते हैं मिराज के लिए. मिराज इट इज एन ऑप्टिकल, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट, और हॉट एक्सटेंडेड सरफेस, हॉट एक्सटेंडेड सरफेस लाइक अ कोल्ड टार रोड, ड्यू टू विच अ ट्रैवलर सीज अ स्विमिंग पॉन्ड, सीज अ शिमरिंग पॉन्ड, सीज अ शिमरिंग पॉन्ड ऑफ वाटर, shimmering pond of water
some distance ahead of at some distance ahead of him, some distance ahead of him, and in which the surrounding objects like trees, etc., appears inverted. तो मिराज ये केस है हॉट रीजन में, समर डेज में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग आगे रोड पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर वाटरी एरिया है और इसी कंडीशन को हम लोग मिराज बोलते हैं, जिसमें उसी वाटरी एरिया में क्या होता है, वहां पर इमेज बनता है ट्रीज वगैरह के, तो इसी को मिराज बोलते हैं। तो हमने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर चेक किया, एक तो हमने एप्लीकेशन चेक किया डायमंड का, स्पार्किंग ऑफ डायमंड, सेकंड हमने चेक किया मिराज का। अब हम लोग कुछ और केसेस चेक करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन नोट करेंगे, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हमारे पूछे जाते हैं, तो कंडीशन हम लोग नोट करते हैं। एक वाटर बॉडीज हम लोग बना लेते हैं, एक हमने सपोज कर लिया इस तरह का, हमने एक वाटर बॉडीज बना लिया, ये हमने वाटर बॉडीज बना लिया, ये वाटर बॉडीज। अब इस वाटर बॉडीज में हम लोग क्या करेंगे कि बॉटम पर एक सोर्स ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बॉटम पर, इसके बॉटम पर हमने एक सोर्स ऑब्जेक्ट ले लिया, बॉटम पर हमने सोर्स ऑब्जेक्ट ले लिया, टॉप सरफेस पर हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से अगर कोई देखे तो टॉप सरफेस पर क्या हो, इस तरह से उसे ये एरिया दिखाई देगा, अगर बॉटम से ऑब्जर्व करे ये एरिया दिखाई दे, से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं इस सोर्स को, हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, दूसरे साइड भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, इस साइड भी। एक्चुअल में ये कौन सेप का एक रीजन बन जाएगा, और यहां से अगर इस बॉटम वाले एरिया पर यानी इस पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर कोई अगर फिश हो तो उस फिश को क्या होगा, ये कंप्लीट एरिया टॉप सरफेस पर दिखाई देगा। इसी का हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, एक हम लोग और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ओ पॉइंट पर हम लोग ला करके इसको मिला देंगे, एक हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और ओ पॉइंट पर हमने इसको मिला दिया। अब ये जो रीजन है इसका रेडियस हम लोग आर सपोज कर लेते हैं, हाइट जो है यहाँ पर एच मान लेते हैं, और रे ऑफ लाइट जो इस साइड से इस तरह से जा रहा है हमारे पास, और ये एंगल जो होगा अपना यहाँ पर, ये इस एंगल को हम लोग ये थीटा मान लेते हैं, और ये थीटा क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से जब रेज ऑफ लाइट जाएंगे और अगर ये थीटा क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो जो अपने पास रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा, और इसी वजह से क्या हो रहा है ये एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एन सपोज कर लिया, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनेगा अपना, ये जो एंगल बना रहे हैं नॉर्मल यहाँ पर, ये जो एंगल है ये एंगल भी थीटा होगा, और ये क्रिटिकल एंगल हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ से ये ओवरलैप होते ही क्या होगा, ये सरफेस की तरफ ये सरफेस हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से हमें करना क्या है, इसी हाइट का कैलकुलेशन करना है, तो ये तो रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये जब हम लोग यहाँ से हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यानी साइन थीटा ये हो जाएगा 1/μ के, और ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, तो ये साइन थीटा यानी क्रिटिकल एंगल साइन थीटा 1/μ के इक्वल हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेते हैं,
और जब साइन थीटा हम लोग लिखेंगे इसका ओ, इस पॉइंट का नेम ए और इस पॉइंट का नेम बी रख लेते हैं, तो ओ ए बी ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल में जब हम लोग साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा जाएगा अपना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दैट इज आर बाई हाइपोटेनस दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन टू ले लिया। अब इक्वेशन वन में इसके वैल्यूज को पुट कर देते हैं साइन थीटा को, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू साइन थीटा को हम लोग क्या करें, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास वन बाई न्यू के इक्वल आ जाएगा। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वन बाई म्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस वन और ये एच स्क्वायर है। यहाँ से जब एच फाइंड आउट करेंगे तो एच आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से हमारा एच जो आ गया, एच के लिए फॉर्मूला बन गया, ये आ गया अपने पास अंडर रूट ये आर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमने बना लिया। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे हम लोग हाइट इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा से निकालने के लिए उसके लिए हम लोग कर लेंगे साइन इनवर्स वन बाई म्यू। तो साइन इनवर्स वन बाई म्यू अपने पास एंगल हो जाएगा जो कि क्रिटिकल एंगल है, या फिर सेमी वर्टिकल एंगल हम लोग ले सकते हैं, और एच हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सारे केसेस हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंस स्टार्ट करेंगे और लेंस के बारे में हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे।